नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे सेक्टर थीम के बारे में जो आप सभी को क्लियरली दिख रही है कि बढ़ रही है वो थीम, उस पर गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ एक चीज, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कहां इन्वेस्ट करना है ये नहीं समझ पा रहे हो। देखिए, हम सभी को दिख रहा है इंफ्रा कंटिन्यू डेवलप हो रहा है और गवर्नमेंट के बड़े लक्ष्य हैं इसको लेकर। इस बजट में भी सरकार ने क्या कहा कि अगले 5 साल डेवलपमेंट के लिए भारत के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हम बहुत एग्रेसिव डेवलपमेंट दिखाएंगे। लगभग 6 महीने पीछे एक रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट की, जो वो कह रहे थे कि हम 4 आईज पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें से 1 आई का मतलब था इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे सरकार कह रही थी कि 2047 तक जो भारत है वो एक विकसित देश बन जाएगा। और ये जो विकसित देश है ना, वो बनता है इंफ्रा के दम पर, हॉस्पिटलिटी के दम पर, हमारे देश में सुविधाएं कितनी है उसके दम पर। और ये आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से आपके घर के आसपास रोड बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, वो अपने आप में एक काबिलियत तारीफ है और बहुत तेजी से बन रहे हैं ये। आप लोगों ने नोटिस किया, अभी 2 वीक पहले ही अटल सेतु ओपन हुआ, जो सबसे सी के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज है 22 किलोमीटर का, वो उसकी मतलब इतनी तारीफ हो रही है आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरीके से न जाने कितने और रोड बन रहे हैं इस समय, नेशनल हाईवेज के मामले में हम लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इस बजट में भी सरकार ने 517 इसी तरीके से कनेक्टेड हाईवेज बनाने की बात करी है और जो अमाउंट सामने निकल कर आया है वो 1.68 लाख करोड़ का निकल कर आया, यानी 1,68,000 सरकार खर्च करेगी FY 25, एक वित्त वर्ष में, जहां सरकार इंफ्रा पे 1,68,000 खर्च करने वाली है। अब समझ में नहीं आ रही है तो सिर्फ एक चीज, कौन से शेयर्स लिए जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम और आप जब शेयर्स में निवेश करते हैं तो एक हमारा सेक्टर होता है और हम सिर्फ उस सेक्टर को पकड़ देते हैं। सेक्टर में इंफ्रा की बात करूं तो आपको इंफ्रा सेक्टर में क्या समझ में आता है? आपको समझ में आएगा इंफ्रा यानी कि रोड बनाने वाली कंपनी, बट ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में जब भी आप आते हो ना, किसी भी फंड में निवेश करते हो, तो आपको दिखता है फंड का नाम, मैं इंफ्रा की बात कर लूं, वहां थीमेटिक लिखा होता है, वहां कभी सेक्टोरल नहीं। सेक्टोरल एक अलग होता है, थीमेटिक अलग होता है। थीमेटिक पे आपको फोकस करना है। थीमेटिक यानी कि थीम, कैसे मैं समझाता हूं, इंफ्रा में जितनी भी चीजें यूज होती है ना, ये उसको इंफ्रा में डाल देंगे थीमेटिक में, क्योंकि वो एक थीम है। एक एग्जांपल, इस पेन को बनाने में ये स्टील बॉडी लग गई, यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी लग गई, अंदर इंक लग गई और इंक एक प्लास्टिक की उसमें पैकेजिंग में पैक है, तो कितने प्रोडक्ट हो गए देखने के लिए। तो ये पेन है, पेन इंडस्ट्री की सेक्टर की बात करूंगा तो एक लिंक आ जाएगा, आपका सेल्लो आ जाएगा, आपके 2-3 और नाम आ जाएंगे, लेकिन वहीं मैं थीमेटिक में जाऊंगा तो पेन में मेरे लिए ये बॉडी आ गई, एक अलग कंपनी ने बनाई होगी डेफिनेटली, ठीक है। एक ये निप जो अलग मटेरियल है वो अलग बनाया होगा, अंदर प्लास्टिक अलग, बॉडी है अलग उसने बनाया होगा कंपनी ने, इंक फिर एक अलग हो गया। तो थीम सब कवर करती है। एक इंफ्रा का एग्जाम्पल देते हैं, इंफ्रा एक रोड बनाने वाली कंपनी होगी जिसने रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया। जब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उसने, तो रोड बनाने में बहुत कुछ लगता है, क्या क्या सीमेंट लग रहा है, रोड़ी लग रही है, न जाने कितने सारे मटेरियल यूज्ड हो रहे हैं, वो सब थीमेटिक में आ गया। इंफ्रा में सिर्फ रोड बनाने वाली कंपनी आई, लेकिन थीमेटिक में सीमेंट भी आ गया आपका। सीमेंट सेक्टर तो नहीं है ना इंफ्रा, लेकिन आ गया, क्योंकि सीमेंट भी तो लग रहा है इंफ्रा में। तो थीमेटिक पे आपको फोकस करना है। अब थीमेटिक चुनना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, देखो बहुत स्टडी करनी पड़ी, ये कुआ है, पैसे का भी और रिसर्च का भी। आराम से करते रहो, जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, जो 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 आपको सुनने में आता है, जो सबसे बड़ी कंपनी है वो ले लोगे, रिस्क फ्री रहोगे, रिटर्न्स थोड़े कम बना पाओगे। आप चाहते हो 1-2 साल में मैं तो मल्टी बैगर हो जाऊं, वो नहीं होगा, लेकिन रिस्क भी आपकी बहुत सेफ होगी। आपको पता है थीमेटिक नहीं समझ में आ रहा, इंफ्रा नहीं समझ में आ रहा, थीमेटिक नहीं समझ में आ रहा, सबका लीडर उठा लो। सीमेंट लगेगा, हाँ लगेगा, सीमेंट का लीडर अल्ट्राटेक है, उठा लो। इंफ्रा लगेगा, हाँ, इंफ्रा में लीडर कौन है, L&T है भैया, सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, उठा लो। इसी तरीके से आप सब उठा लो, ठीक है, लीडर लीडर को। इसमें आपकी पोर्टफोलियो सेफ है, रिटर्न्स भी आ जाएंगे, 15-20% तो आ जाएंगे, लेकिन आप जितना अंदर ढूंढोगे, चीजें निकाल के लाओगे, छोटी छोटी कंपनी, फिर आप बड़ा पैसा बनाओगे, लेकिन रिस्क भी कैरी कर रहे हो। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरे को कौन सी थीम प्ले करनी है और उस थीम को आराम से बैठ के टुकड़ों में बांट दो। जैसे कि एक रियल इस्टेट की थीम होती है, रियल इस्टेट में जब थीम आती है ना, वो केवल एक घर नहीं होता, केवल एक बिल्डिंग नहीं होती, उसमें पेंट लगता है, उसमें बिजली के तार लगते हैं, उसमें
सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स लगते हैं उसमें न जाने कितनी मटेरियल लग गए, ईंट, सीमेंट, सरिया, फिर उसमें वुडन वर्क लगता है तो सेंचुरी प्लाई, ये सब सब यूज हो गया भाई। आप जितना जाओगे तोड़ोगे, जितनी ज्यादा रिसर्च मारोगे उतना बड़ा पैसा बना पाओगे। लेकिन एक चीज जरूर है, पैसा बनेगा बाजार में, आप कहीं भी पैसा लगा रहे हो, बस निवेशित रहना, इतना समझ लेना। दूसरी बड़ी बात, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा म्यूचुअल फंड का कि थीमेटिक में आपको नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट जाओ फंड्स में और फंड सिलेक्ट करो, निवेश कर दो। इंफ्रा के लिए अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत अच्छा है, उसमें आप निवेश कर सकते हो। आदित्य बिरला का भी काफी अच्छा है, उसमें भी आप निवेश कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डेली एसआईपी का लिंक दे रखा है, जेड फंड का, जिसकी ऐप पे आप जाके अपनी एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।